साल अब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की 5512 पदों पर सीट यहां पर वैकेंट है। और लोगों को ये डाउट था कि क्या मैम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी की वैकेंसी एक साथ आएगी, तो जय हिंद एवरीवन, दिस इज भाग्यश्री, होपफुली ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आज की इस वीडियो में जितने भी आपके डाउट थे जो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे लगातार कमेंट किए थे, उन सारे टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। तो वन बाय वन मैं कोशिश करूंगी आपके सारे डाउट यहां पर दूर हों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका डाउट था कि मैम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंट सीट और जो लगातार आरटीआई रिप्लाईज आ रहे थे उनके बारे में बताइए। दूसरा ये कि हाल ही में एसएससी और दिल्ली पुलिस के बीच में जो एमओयू साइन हुआ है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। थर्ड हम बात करेंगे विथआउट कैंडिडेट 2020 और 2023 के बारे में, देन कोर्ट केस 2020 और 2023 के बारे में। फोर्थ हम बात करेंगे 2023 की भर्ती में जो 571 सीट वैकेंट थी उनका क्या हुआ। तो जितने भी आपके डाउट थे वो सारे इस वीडियो में इंक्लूड होंगे। आप वीडियो को बिना स्किप किए स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखें ना, ताकि आपका कोई भी डाउट यहाँ पर न रहे। हो सके वीडियो लंबी हो जाए तो आप इसको 2x पर देख सकते हैं, बट वीडियो आपको स्किप नहीं करना है और इस वीडियो को देखने के बाद में आपका कोई भी डाउट यहाँ पर नहीं रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सारे डाउट को दूर करने के लिए एक एक डेटा मैंने यहाँ पर लिखा है, कैलकुलेशन विथ प्रूफ, और एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाए ताकि आपके एक भी डाउट यहाँ पर नहीं रहे। तो इस डाउट दूर करने की कड़ी का अगर हम बात करें बेस क्या रहेगा, तो बेस आपकी दिल्ली पुलिस भर्ती 2023 रहेगा। देखिए दिल्ली पुलिस भर्ती 2023 की ब्रीफली मैं आपको पहले इन्फॉर्मेशन देती हूँ। इसमें कितनी सीट वैकेंट रही थी, कितने बच्चे यहाँ पर विथहेल्ड में रखे गए थे, कौन से ऐसे कैंडिडेट है जो कोर्ट केस में रहे थे, जिन्होंने अपने डिपार्टमेंट को रिजाइन वगैरह नहीं दिया था या जिनको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट नहीं मिला था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं बात करती हूँ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 की वैकेंसी के बारे में। इसमें आपके 5747 पदों पर ये वैकेंसी थी। जब आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हुआ उसमें आपका 6976 कैंडिडेट का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, और रिजल्ट के लास्ट पेज पे आपको बताया गया था कि दिल्ली पुलिस भर्ती 2023 में 118 कैंडिडेट को हम विथहेल्ड में रख रहे हैं। ठीक है, अब मैं बता देती हूँ कि इसी भर्ती में 571 सीट वैकेंट थी, यानी कि 7547 अगर आप 6976 घटाते हैं तो आपके 571 सीट यहां पर वैकेंट होती है दिल्ली पुलिस 2023 में। ठीक है, अब मैं बात करती हूं जो 6976 पदों का फाइनल रिजल्ट आया था उनमें से भी डिपार्टमेंट ने 6500 को ही ज्वाइनिंग लेटर दिया था, यानी कि अगर हम बात करें 476 ऐसे कैंडिडेट थे जिनको फाइनली ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला था, और ये वो कैंडिडेट थे जिनके ऊपर या तो कोर्ट केस था या फिर जो किसी अन्य डिपार्टमेंट में ऑलरेडी थे और दिल्ली पुलिस को ज्वाइन करना चाहते थे, और ज्वाइन करने के लिए उन्हें ऑलरेडी अपने डिपार्टमेंट को रिज़ाइन देना था। उन्हें यहाँ पर रिज़ाइन लेटर नहीं मिला या फिर डिस्चार्ज सर्टिफिकेट उनके पास नहीं था। तो 476 ऐसे कैंडिडेट थे जिनको फाइनली ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला था, 6500 को ही ज्वाइनिंग लेटर मिला था मार्च अप्रैल तक आते आते। अब इन 6500 की ज्वाइनिंग भी दो अलग अलग आधारों पर की गई। ठीक है, इनमें 2000 कैंडिडेट को मार्च तक ज्वाइनिंग दी गई और रिमेनिंग रहे 4500 को जुलाई तक ज्वाइनिंग दी गई। अब इन 4500 के अलावा जो मैं 476 की बात कर रही हूँ, जैसे जैसे जो कैंडिडेट कोर्ट केस वाले हैं या जो कैंडिडेट अन्य डिपार्टमेंट के हैं जिनको रिजाइन सर्टिफिकेट मिल गया है, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट मिल गया है, जिनका क्लीन चिट हो गया है कोर्ट केस का, उन सभी को एक साथ जुलाई तक ज्वाइनिंग दे दी गई है। और उनमें से भी जरूरी नहीं है कि 476 ही यहां पर फुलफिल हुए, जिन सभी को क्लीन चिट मिली है, जिन सभी को रिजाइन सर्टिफिकेट मिला है, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट मिला है, उन्हें ही यहां पर ज्वाइनिंग दी है। ठीक है, तो इसका ओवरऑल कंक्लूजन ये था कि 2023 की भर्ती में 571 सीट अकॉर्डिंग टू योर रिजल्ट एंड 476 में से कुछ बच्चे जिनको क्लीन चिट नहीं मिला, रिजाइन सर्टिफिकेट नहीं मिला, वो सारी सीट यहाँ पर वैकेंट है। लगभग 600 के आसपास आपकी सीट अभी भी वैकेंट है 2023 की भर्ती की। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट डाउट का, और नेक्स्ट डाउट आपका ये था कि मैम कोर्ट केस 2020 और 2023 का क्या हुआ। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोर्ट केस 2020 और 2023 का डेटा यहाँ पर प्रिपेयर किया जा रहा है, बहुत जल्दी इसमें रिजल्ट आ जाएगा, और वैसा ही हुआ। कोर्ट केस 2020 और 2023 के अभी फिक्स डेटा नहीं है कि कितने कैंडिडेट को यहाँ पर ज्वाइनिंग दिए। हाँ, जिनको क्लीन चिट मिल गई है, जो बिल्कुल कहें तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, इन्होंने कोई भी किसी टाइप का क्राइम नहीं किया है, उन सभी को यहाँ पर ज्वाइनिंग दी गई थी। 28 और 29 जून को यहाँ पर आर सेल एनपीएल में बुलाया गया था, और 1 जुलाई वाले कैंडिडेट के साथ ही इनको यहाँ पर ज्वाइनिंग दे दी गई थी।
नेक्स्ट डाउट आपका रहता है विथ हेल्थ कैंडिडेट के बारे में कि मैम विथ हेल्थ कैंडिडेट 2020 और 2023 का क्या हुआ। देखो विथ हेल्थ के स्टेटस मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि विथ हेल्थ आप किस वजह से रखे जाते हैं। दो तीन इसके रीज़न हो सकते हैं। सबसे मेनली रीज़न आपका ये हो सकता है कि आपका डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट हो, दूसरा हो सकता है कि आपका बायोमेट्रिक यहाँ पर ढंग से नहीं हुआ हो, या फिर आपका सिग्नेचर हैंडराइटिंग यहाँ पर मैच नहीं हुआ। फोर्थ और सबसे बड़ा रीज़न आपका हो सकता है क्रिमिनल रिकॉर्ड। 2020 का विथ हेल्थ देखें और दूसरी ओर हम 2023 का विथ हेल्थ देखें तो दोनों को समझने की कोशिश कीजिएगा। 2020 में 625 कैंडिडेट को विथहेल्ड रखा गया था, जिनमें कि 125 प्लस कैंडिडेट को हमारे बैच के साथ में ज्वाइनिंग दे दी गई थी। जब हमारी ज्वाइनिंग हुई थी उसके 1.5 से 2 महीने के अंतराल पर विथहेल्ड को यहां पर ज्वाइनिंग दे दी गई। यानी कि 2020 का स्टेटस देखें तो 490 कैंडिडेट अभी भी विथहेल्ड पर है। सेम बात करते हैं हम 2023 की, 2023 में 118 कैंडिडेट अभी भी विथहेल्ड पर है। तो विथहेल्ड कैंडिडेट वालों को क्या करना है कंटिन्यूस, मैं अगर 2023 की स्टेटस बताती हूँ तो आरसेल भर्ती विभाग ने अभी जून एंडिंग के आसपास इन्हें यहाँ पर बुलाया था। एंड न्यू पुलिस लाइन किंग्सवे कैंप में रिक्रूटमेंट सेल का ऑफिस है, वहाँ पर आप सभी को बुलाया गया था। तो आपके लिए एक सजेशन है कि आप कंटिन्यूस आरटीए लगाइए और टाइम टू टाइम अपडेट लेते रहिए आरसेल एनपीएल में जाकर। अब सबसे ज़्यादा डाउट आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंट सीट और कंटिन्यूस जो आरटीए रिप्लाई आ रहे थे उनको लेकर था, तो मैं वन बाय वन आपके सारे डाउट यहाँ पर दूर करूँगी। सबसे पहले देखिए, आपकी मार्च में ज्वाइनिंग दी जानी थी और फरवरी तक आरटीए का रिप्लाई आया था कि 9465 पदों पर सीट वैकेंट है। एक बात मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ, जब तक आपका रिजल्ट आ जाता है डजंट मैटर, जब तक आप वहाँ पर आमद नहीं करवा लेते हैं आप पुलिस पर्सनल यहाँ पर काउंट नहीं होते, यानी कि आपकी सीट वहाँ पर वैकेंट ही रहती है। अगर हम देखें तो 9465 में से जो 2023 के कैंडिडेट यानी 6976 यहाँ पर माइनस करती हूँ तो लगभग 2489 कैंडिडेट की यहाँ पर सीट वैकेंट है, यानी कि लगभग मान लीजिए 2500 पदों पर सीट वैकेंट थी अकॉर्डिंग टू फेब डाटा। ठीक है, उसके बाद मैं बात करती हूँ मार्च 2024 में मैंने खुद ने आरटीआई लगाया था और जिसका मुझे रिप्लाई मिला था काउंटिंग ऑफ वैकेंसीज अंडर प्रोसेस, यानी कि जो वैकेंसी की जो काउंटिंग है वो अंडर प्रोसेस है। वो इसीलिए थी क्योंकि ज्वाइनिंग जो दो भागों में बांट दी गई थी, जुलाई तक कुछ कैंडिडेट को यहाँ पर ज्वाइनिंग दी जानी थी। सेम फिर से आरटीआई लगाया गया जो कि जून में बताया गया 5441 पदों का। जून एंडिंग तक आते आते इस आरटीआई में कैंडिडेट की संख्या लगभग बढ़कर 5500 प्लस हो गई। यानी कि मैं अगर बात करती हूँ 2024 में आपकी वैकेंसी के आने के पीछे दो ही रीज़न सबसे बड़े हैं, मैं अगर बात कर सकती हूँ तो सबसे पहला रीज़न ये था कि डिपार्टमेंटल सोर्स से ये पता चला था जितने कैंडिडेट हमारे रिक्वायर थे 2023 में उतने कैंडिडेट हमारे यहाँ पर फुलफिल नहीं हुए हैं, क्योंकि 571 तो नॉर्मली रिजल्ट में ही यहाँ पर क्लियर नहीं हुए और 476 ऐसे कैंडिडेट थे जिनका किसी रीज़न से यहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर अटक रखा था। तो जितने कैंडिडेट यहाँ पर रिक्वायर थे उतने यहाँ पर फुलफिल नहीं हुए थे। डिपार्टमेंटल के इंटरनल सोर्स से ये चीज़ें थी कि हमें और ज़्यादा कैंडिडेट रिक्वायर है। देन हम बात करते हैं कि सारे कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दे दी गई 1 जुलाई तक, जिन जिनको ज्वाइनिंग दी जानी थी जिनका कोर्ट केस वगैरह था उनको भी, 2020-2023 वालों को भी। अभी बची हुई अगर मैं बात करती हूँ तो ओवरऑल देखें जुलाई एंडिंग तक, यानी कि अभी अगर मैं बात करती हूँ तो 12 जुलाई तक एक और आरटीआई का रिप्लाई आता है जिसमें कि 5512 पदों पर सीट आपकी वैकेंट बताई जा रही है। ओवरऑल अगर हम देखें तो इस साल अब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की 5512 पदों पर सीट यहाँ पर वैकेंट है। हर बार ऐसा होता है कि भर्ती में कुछ ना कुछ सीट यहाँ पर वैकेंट रह जाती हैं। सेम इसी भर्ती में 571 तो ये और 476 में से कुछ जो रह गए थे, लगभग 600 समथिंग वैकेंट सीट आपको मिलेगी और ये जो वैकेंट सीट है वो नेक्स्ट जो भर्ती आएगी उसमें ऐड होकर आएगी। यानी कि 5500 में आप 500 प्लस ऐड करें तो आपकी लगभग 6012 पदों पर आगे आने वाली भर्ती में सीट आपकी यहाँ पर वैकेंट मिलेगी। अब डाउट ये रहता है कि मैम हमारी वैकेंसी कब तक आएगी। देखिए मैं अगर SSC की और दिल्ली पुलिस की बात करती हूँ तो खुशखबरी ये है कि SSC और दिल्ली पुलिस के बीच में हाल ही में MOU साइन हुआ है आपकी भर्ती को लेकर, तो बहुत जल्द आपको आपकी भर्ती देखने को मिलेगी। दूसरी ओर मैं बात करती हूँ, कुछ लोगों को ये डाउट था कि क्या मैम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और SSC GD की वैकेंसी एक साथ आएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और SSC GD दोनों की भर्ती का प्रोसेस अलग अलग होता है। दूसरी मैं बात करती हूँ, SSC GD का तो पहले से अनाउंस था कि उनकी वैकेंसी जो है 27 अगस्त को यहाँ पर रिलीज होगी। और एक अच्छी बात मैं बताती हूँ, परसों मैं अखबार पढ़ रही थी तो मैंने उसकी एक विज्ञप्ति में ये चीज़ देखी थी
कि एसएससी ने साल 2024 की 12 भर्ती यहाँ पर रिलीज करनी थी, जिसमें 11 भर्तियां यहाँ पर रिलीज हो गई है। एक बची हुई वैकेंसी आपकी एसएससी जीडी की थी, जो कि 27 अगस्त को यहाँ पर एसएससी के इस कैलेंडर में शामिल होगी। तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद में आपके सारे डाउट यहाँ पर दूर हुए हैं। अब जो आने वाली भर्ती है वो जल्द आएगी, पर कब आएगी उसके बारे में कोई भी क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा सकती। इन्फॉर्मेशन केवल इतनी ही है कि आपकी 5000 से ज़्यादा 5500 प्लस 600 समथिंग, यानी कि 6000 समथिंग आपकी सीट यहाँ पर वेकेंट है। और अब जो भर्ती आएगी वो आपके 25-26 के कैलेंडर में, यानी कि लगभग आपको मार्च तक देखने को मिलेगी। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद में आपके सारे डाउट यहाँ पर दूर हुएंगे। एक दो डाउट और मैं ऐड करना चाहूँगी। कुछ कैंडिडेट का ये कहना था कि मैम हमारे ऊपर कोर्ट केस है, कि हम दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल की तैयारी कर सकते हैं। हाँ, आप तैयारी कर सकते हैं, नो डाउट। आप पेपर भी देने जाएंगे, नो डाउट। बट जब आप फिजिकल के बाद में जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं, तो उसमें ये सारी चीज़ें यहाँ पर सामने आ जाती हैं, तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। पेपर आप दे सकते हैं, बट आप फाइनल आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी अगर आपके ऊपर कोर्ट केस है। देन मैं बात करती हूँ वो सारे कैंडिडेट, कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको ये डाउट था कि मैम क्या इसमें सीईटी कंपलसरी है, तो इसमें सीईटी कंपलसरी नहीं है। सीईटी कुछ राज्य की भर्तियों में कंपलसरी होती है, जैसे हम बात कर लेते हैं हरियाणा पुलिस में सीईटी कंपलसरी है, तो ये केंद्र सरकार की पुलिस की नौकरी है, इसमें सीईटी कंपलसरी नहीं है। केवल और केवल 12वीं पास और 18 प्लस आपकी एज है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपके सारे डाउट यहाँ पर दूर हुए होंगे। अगर किसी भी प्रकार का डाउट रह जाता है जो स्टूडियो में शामिल नहीं है, तो कमेंट सेक्शन में छोड़ देना। समय मिलने पर आपके प्रश्नों का जवाब कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश करूंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अभी के लिए कंक्लूजन ये है कि आपकी भर्ती जो है वो 2024 में आने की संभावना न के बराबर है, क्योंकि 2024 की लास्ट भर्ती आनी थी अगस्त में, जो कि एसएससी जीडी की थी। 27 अगस्त को ये वैकेंसी आ जाएगी, उसके बाद में मुझे नहीं लगता कि कोई वैकेंसी आएगी। अब जो आपकी वैकेंसी है वो 2025 के कैलेंडर में मिलेगी, लगभग आपको मार्च तक देखने को मिलेगी। आई होप आपके सारे डाउट दूर हुए होंगे।